हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे डिस्कस करते हैं सैम इन आर पैकेज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सैम इन आर ऑल इन वन पैकेज है। इसमें हम एमोस वाला सीएफए यूज़ कर सकते हैं, कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग यूज़ कर सकते हैं, कंसिस्टेंट पीएलएस और रेगुलर पीएलएस, ये सभी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी तक मैंने डाटा फाइल को इम्पोर्ट कर लिया है, जिसके अंदर 100 ऑब्जर्वेशन है, 21 वेरिएबल हैं। ये हैं क्वालिटी 1, 2, 3, 4, 6 क्वालिटी के हैं, सेटिस्फेक्शन के 4, बिहेवियर इंटेंशन के 5 और लॉयल्टी के 5, ऐसे हैं हमारे स्टेटमेंट्स। सो सबसे पहले हम यहाँ पे रिक्वायर करते हैं, अटैच करते हैं डाटा। व्यू हमने ऑलरेडी कर रखा है, मेजरमेंट को रन करते हैं। मेजरमेंट के अंदर ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट के अंदर अगर आपका आपको यूज करना है सीएफए एमोस वाला, कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग एमोस वाला, या कंसिस्टेंट पीएलएस, तीनों केस में आप इसको रिफ्लेक्टिव डिफाइन करेंगे। और अगर रेगुलर पीएलएस यूज करना है तो ये कंपोजिट हो जाएगा। इसके अंदर मैंने कहा कि क्वालिटी है नाम और मल्टी आइटम्स है, क्वालिटी 1 to 6। तो ये अपने आप डाटा फाइल में ढूंढ लेगा कि कहां पर आपका क्वालिटी है, इसीलिए इसका नाम एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो डाटा फाइल में नाम है। ये 1, 2, 3 ना हो, सिर्फ पहले का नाम हो और बाकी 1, 2, 6 अपने आप ढूंढ लेगा। जैसे BEH, ये देखिए, इस केस में मैंने यहां पे किया हुआ है बिहेवियरल इंटेंशन को BEH अंडरस्कोर। तो अगर मैं ये अंडरस्कोर मिस कर देता हूं यहां पे, तो इसको मिलेगा नहीं है। तो ये नाम तो एग्जैक्टली वही होना चाहिए फाइल में जो हो। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इंटेंशन की जगह इंट दे दिए, इंटेंशन पूरा लिख दीजिए, बिहेवियर इंटेंशन, बिहेवियर, कुछ भी लिखें। ये नाम कुछ भी हो सकता है, बस याद रखिएगा फंक्शन कंस्ट्रक्ट फिक्स है, इसके अंदर रिफ्लेक्टिव या कंपोजिट। अभी हम रिफ्लेक्टिव की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कंसिस्टेंट पीएलएस के बारे में। तो कंसिस्टेंट पीएलएस में एक हमें चाहिए कि डाटा फाइल, जो कि डाटा नाम से है, मेजरमेंट मॉडल और स्ट्रक्चरल मॉडल। स्ट्रक्चरल मॉडल मैं अब यहां चलता हूं स्मार्ट पीएलएस में। क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फेक्शन एंड बोथ लीड्स टू लॉयल्टी एंड इंटेंशन। 6, 4, 5 and 6 स्टेटमेंट ईच है। कैलकुलेट कंसिस्टेंट में कंसिस्टेंट, रन कर देते हैं और यहां पर ये सारा इनका क्राइटेरिया आ गया। अब इसी चीज को हम मिला के देखते हैं आर में। तो रन कर देते हैं, मेजरमेंट को रन किया, तब देखिए नीचे मेजरमेंट आ गया यहाँ पे। फिर स्ट्रक्चर जो हैश लिखा होता है, हैश का मतलब है आर को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसको मत पढ़ो, ये सिर्फ हमारे लिए है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं जो स्ट्रक्चर मॉडल है, जैसे हमने यहाँ डायग्राम बनाया ना, ये इस डायग्राम के इक्विवेलेंट है। अगर इसको लिखूँ फ्रॉम क्वालिटी टू सेटिस्फेक्शन, देन फ्रॉम क्वालिटी सेटिस्फेक्शन टू बोथ ऑफ दिस। तो मैं इसको देखिए दो तरीके से लिख सकता हूँ। पहले मैंने लिखा क्वालिटी से टू, सी का मतलब है कंबाइंड, इस ऑर्डर में पढ़िए, तो तीनों पे एरो चला गया, फ्रॉम क्वालिटी टू ऑल द थ्री एंड फ्रॉम सेटिस्फेक्शन टू बोथ ऑफ देम। तो ये इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं यहां पे इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं दिस, एंड अभी मैं हैश करके लिखता हूं ताकि आर इसको पढ़े ना, लेकिन आप समझ जाए। From C, अगर एक से ज्यादा है तो this, और मेरी कोशिश होती है कॉपी पेस्ट करें, टाइप ना करें, उसमें गलती रह जाती है कहीं ना कहीं। सेटिस्फेक्शन क्लोज और उसके बाद कॉमा कॉमा, राइट। टू टू में अब सेटिस्फेक्शन को हटा देते हैं, ये इसका भी मतलब वही निकला जो देखिए क्वालिटी से तीनों पे जा रहा था, सेटिस्फेक्शन पे दो पे। तो क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन तो लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब है क्वालिटी से इन दोनों पे, सेटिस्फेक्शन से इन दोनों पे। इसके अलावा एक क्वालिटी टू सेटिस्फेक्शन और लिखना पड़ेगा, मतलब हम बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, आप कैसे भी लिख सकते हैं, हैश का मतलब है इसे ना पढ़े। सो रन कर देते हैं इसे और अपना मॉडल चेक करना ना भूलिएगा आप कि आपका कैसा बना है डायग्राम प्लॉट। ये जो आप लिखेंगे ना यहाँ पे जो भी नाम है उसी का प्लॉट करेंगे हम। सो कंट्रोल एंटर। सो ठीक है, यही मैंने बनाया, क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन दोनों पे, बिहेवियर इंटेंशन, ठीक है, लेट्स गो अहेड। तो फाइल रिक्वायर करने के बाद, अटैच करने के बाद, फर्स्ट स्टेप है मेजरमेंट, सेकंड है स्ट्रक्चर, प्लॉट तो देखने के लिए है। अब मैं सीएफए को स्किप कर रहा हूँ, मैं सैम को स्किप कर रहा हूँ, अब हम आगे एस्टिमेट पीएलएस।
अब देखिए, ये तो यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि PLS है तो कंसिस्टेंट कौन सा है। उसका फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि अगर आपने मेजरमेंट में रिफ्लेक्टिव किया है तो ये ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट PLS रन होगा, और अगर ये कंपोजिट कर दिया है तो यही चीज आपकी रेगुलर PLS रन हो जाएगा। तीन आर्ग्यूमेंट, डाटा, मेजरमेंट स्ट्रक्चर, जो आउटपुट आएगा CBSEM में ना, इसकी हम समरी देखेंगे, उसको प्रिंट करके उसको सेव कर देते हैं किसी में, और वो आगे की चीजें हम देखते हैं। तो फर्स्ट सेट सीड एक जैसा आउटपुट आए, रन करें, रन हो गया है। और अब मैं निकालता हूं इसकी प्रिंट। देखिए, है तो ये समरी वाला ही, उसको प्रिंट के अंदर डाल दिया मैंने। ये एम्बेडेड फंक्शन है, फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। इस सारे को मैंने कहा प्रिंट करें 3 डिजिट्स तक। इस सारे को डाल दिया P2 में ताकि P2 की एक एक चीजों को हम देख सकें। रन करते हैं इसे P2। तो इसने बहुत कुछ दे दिया हमें, बहुत कुछ इसने फिट इंडिकेटर दिए। अब ये तो देता ही नहीं है, ये तो अगर हम देखें स्मार्ट PLS पे, CBSEM रन कर दिया मैंने। ओके, तभी यहाँ तो PLS में तो फिट इंडिकेटर होते नहीं है। तो इसका नाम मैंने रखा है CBSEM नहीं, मुझे जाना है कंसिस्टेंट में, राइट। तो अब यहां इसको हमें देखिए, इसके आर्गुमेंट ऊपर तो मैं सिंपल लिख रहा था ना, मेजरमेंट स्ट्रक्चर। यहां मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख लिया, मेजरमेंट मॉडल इज इक्वल टू मेजरमेंट, स्ट्रक्चरल मॉडल इज इक्वल टू स्ट्रक्चर, और इनर वेट है पाथवे। रिमेंबर, इसके तीन मॉडल होते थे। एक मॉडल का नाम होता था, यहां पे भी होंगे शायद, एक का नाम है सेंट्रॉयड, एक का नाम है फैक्टर, एक का है पाथ। तो जैसे यहां बाय डिफॉल्ट पाथ है, तो हम उसी तरह से आर के अंदर बाय डिफॉल्ट पाथवेइंग है। यहां पर भी वो ऑप्शन है सेंट्रॉयड का, और जो फैक्टर है उनके भी ऑप्शन है। तो इसको मैं रन कर देता हूं, रन हो गया। इसके आउटपुट को, समरी को मैं P3 में डाल देता हूं, P3 में चला गया। अब हम P3 में सारा आउटपुट है, पार्ट ऑफ आउटपुट देखने के लिए P3 $। तो ये बता रहा है मेरे पास इतनी चीजें हैं, मेटा है, इटरेशन, पाथ, टोटल, इनडायरेक्ट इफेक्ट, वैलिडिटी, वेट, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, कंपोजिट स्कोर, एफ स्क्वेयर, सब कुछ है इसके अंदर। एक एक करके देखते हैं। तो जो भी आपने देखना है, जैसे पाथ देखना है, तो सारा आउटपुट है P3 के अंदर। डॉलर का मतलब है पार्ट ऑफ आउटपुट को देखना। तो जैसे पाथ, पाथ में फिर अगर आप डॉलर लगाते हैं, इसके अंदर कोई नहीं है, सेपरेट आउटपुट नहीं है। तो अब एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। प्रिंट डिस्क्रिप्टिव 3 डेसिमल प्लेस तक, थोड़ा सा हम इसका साइज, इसका तो कोई काम ही नहीं है नीचे वाले का, इसको छोटा और बड़ा कर लेता हूँ। पहले डिस्क्रिप्टिव को दिखाएं। ओके, डिस्क्रिप्टिव में दिस इज इक्विवेलेंट टू, देखो कितनी सारी चीजें दे दी हैं इसने। सबसे पहले तो इसने दे दिया है मीन, मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम। खैर, ये तो ये भी देता है। अगर हम अपना देखें, यहाँ पे कहीं हमारा कोरिलेशन, ओरिजिनल डाटा, ये तो डाटा ही है, स्टैंडर्डाइज्ड डाटा, ये सबका सबसे कोरिलेशन है, आई थिंक हमें ये भी दिया होगा। जब हम ये डाटा फाइल देखते हैं ना, डाटा फाइल में ही PLS दे देता है, मीन, मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारा है ना। तो देखिए हमारा भी ये वही है, क्वालिटी का मीन है 3.22, अगले का 3.33, ये वही है 3.33, मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, एग्जैक्टली वही है। तो जो डेवलपर हैं उन्होंने बिल्कुल वही सिंटेक्स लिया है जैसा स्मार्ट PLS काम करता है, बिल्कुल वही काम करता है ये। तो पहला तो आ गया है सबका स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। सेकंड आ गया है इनका कंस्ट्रक्ट, क्वालिटी है, क्वालिटी का एज ए होल दे दिया है, उसका मीन, मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम, स्क्यूनेस, ठीक है। हर एक का हर एक से कोरिलेशन, क्वालिटी का 1 का 2 से 6.96 है, ये चीज हमें गिवन होती है यहाँ पे, इंडिकेटर कोरिलेशन। तो ये क्वालिटी का हमें देखना है। चलो मैं बिहेवियर इंटेंशन का चेक कर लेता हूँ, 5.68 है 1 का 2 से, ये ढूंढना पड़ेगा कहाँ है बिहेवियर इंटेंशन, 1 का 2 से 5.68 है, ये 2 है और ये 1 है, हर एक का हर एक से कोरिलेशन। और ये है कंस्ट्रक्ट्स के कोरिलेशन, कंस्ट्रक्ट के कोरिलेशन गिवन होते हैं यहाँ, लेटेंट वेरिएबल और इसके अंदर कोरिलेशन 6.12, लॉयल्टी और इंटेंशन का। सो इंटेंशन और लॉयल्टी का 5.04 है, इनका रहा 6.1। ये मैंने देखा है थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा कोरिलेशन का, पर बाकी चीज़ें देखते हैं इसका, आई डोंट नो कितना यूज़ किया है, क्योंकि बाकी चीज़ें मैच करती हैं। पाथ देखते हैं एक बारी, पाथ हमारा है R² मिलाते हैं हम, सेटिस्फेक्शन का 245, सेटिस्फेक्शन 245, इंटेंशन का 47,
47 लॉयल्टी का 741 741 करेक्ट। एडजस्टेड चेक करते हैं 23746 23746 736 736 ये बिल्कुल मैच करता है आर स्क्वायर। ओके क्वालिटी का सेटिस्फेक्शन पे है 495 पाथ कोफिशियंट पे चलते हैं। क्वालिटी का सेटिस्फेक्शन पे 495 है। ओके इसमें थोड़ा मैं जूम करना चाह रहा था, लेट्स सी जूम कहाँ पर है, जस्ट गिव मी मिनट। चलिए नहीं मिला मुझे, आगे देखते हैं। क्वालिटी का इंटेंशन पे है 625, क्वालिटी का इंटेंशन पे 625 और लॉयल्टी पे 537 करेक्ट डॉट। सेटिस्फेक्शन 0.11457 बिल्कुल ठीक है जी, सारी की सारी वैल्यूज। तो इसलिए मैंने कहा वो ऊपर कोरिलेशन ये मैच करें ना करें डजेंट मैटर, हमारे ये बिल्कुल मैच करते हैं सारे, आर स्क्वेयर पाथ कोफिशियंट। टोटल इफेक्ट चेक करें, टोटल इफेक्ट होता है कुछ तो आएगा हमारा डायरेक्ट। देखिए क्वालिटी लॉयल्टी पे क्वालिटी का ये तो गया डायरेक्ट 537 और कुछ इन दोनों को मिला के गया, तो ये मिला के कितना जाता है, वैसे आप इनडायरेक्ट खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। दोनों बीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए दिस एंड दिस को 0.457 से, तो इनडायरेक्ट है 226, डायरेक्ट है 537 और इसमें 537 ऐड कर दें तो ये 763 के करीब आएगा क्वालिटी का लॉयल्टी पे। चेक कर लेते हैं, पहले इनका चेक कर लें ये क्या दे रहे हैं अपना। टोटल इफेक्ट जो देखेंगे क्वालिटी का लॉयल्टी पे 764 आ रहा है, मेरा आ रहा था 7632, ठीक है 764, इनका कितना आया क्वालिटी का लॉयल्टी पे 764 है, ठीक है जी। सेटिस्फेक्शन का टोटल इफेक्ट जो आ रहा है इंटेंशन पे 110, सेटिस्फेक्शन का इंटेंशन पे 110 और सेटिस्फेक्शन का लॉयल्टी पे 457 करेक्ट है, बिल्कुल मैच करते हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट वो जो प्रोडक्ट करके मैंने निकाला था, अब देखिए इनडायरेक्ट तो हमें सिर्फ इनका मिलेगा ना, इनडायरेक्ट तो एक तो ये जा रहा है एक इसका। सेटिस्फेक्शन का इनडायरेक्टली कोई नहीं है लॉयल्टी पे, सिर्फ डायरेक्ट इफेक्ट है और सेटिस्फेक्शन का ये भी डायरेक्ट है, तो क्वालिटी का दोनों पे इनडायरेक्ट जाएगा यानी दिस इंटू दिस और सेकेंड दिस इंटू दिस। चेक करते हैं, सो आई रिमेंबर ये तो 22 के करीब आया था क्वालिटी का लॉयल्टी पे, क्वालिटी ऑन लॉयल्टी 226 करेक्ट और इंटेंशन पे 0.055। चेक कर लेते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट 0.055 बिल्कुल ठीक है जी, कंसिस्टेंट तो बिल्कुल हो बहु ही सेम है। लोडिंग्स चेक कर लीजिए 693, आओ यहाँ एक बार चेक कर लें लोडिंग्स में, मैं बिहेवियर इंटेंशन की चेक कर लेता हूँ, वो नीचे है 366657 ठीक है, 791643 554793 परफेक्ट बिल्कुल सेम है जी। तो अगर ये सेम है तो हमारे लैब वो जो AVE अल्फा ये भी सब ठीक होगा, अगर ये डेसिमल प्लेसेस में ठीक है। अब चेक करें अल्फा क्रॉनबेग अल्फा इंटेंशन का 818 करेक्ट, सेटिस्फेक्शन का 806809 एंड लास्ट इज क्वालिटी का 868 करेक्ट। AVE 521545 46 और 424 करेक्ट। रो ए ये वाला है 834813 एंड रेस्ट बोथ आर 871 करेक्ट परफेक्ट बिल्कुल सही है, रिलायबिलिटी भी हो गया। और प्लॉट स्कोर, अच्छा प्लॉट स्कोर एक एडिशनल है यहाँ पे। प्लॉट स्कोर सिंपल क्या करता है, आपको जो भी आपके कंस्ट्रक्ट्स हैं उनका डायग्राम बना के दिखा देता है। लाइक देखिए सेटिस्फेक्शन का ऑलमोस्ट स्ट्रेट ठीक है पॉजिटिव है, इंटेंशन और ये तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में है, ये भी काफ़ी हाई है, लॉयल्टी क्वालिटी भी काफ़ी हाई है, तो आपको एक पता लग जाता है अपने डायग्राम में देने वाली बात है। तो फाइनली यहाँ पे भी हमें अगर आपको चाहिए हो पी वैल्यू, जैसे अभी तो मैंने खाली कहा ना ये आया, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, क्या 0.1 मुझे लग रहा है शायद ये सिग्निफिकेंट ना हो, इसके लिए हमें रन करना पड़ता है यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग विद अ सैंपल ऑफ वट एवर, आप 500 के करीब ले सकते हैं बूटस्ट्रैपिंग और कैलकुलेट, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इन द मीन वाइल हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमारा पूरा आउटपुट तो इसमें आ चुका है ये रन करके PLS मॉडल में, तो PLS मॉडल को ही हमने बूटस्ट्रैप मॉडल के अंदर डाल दिया, तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है और कई बार तो ये रिस्टार्ट हो जाता है। आर चेक कर लेते हैं एक बारी, होप दिस शुड वर्क दिस टाइम, सो कंट्रोल एंटर
इन द मीन वाइल इसको छोड़ के हम यहाँ चलते हैं, ये वैल्यूज आ गई है, पाथ कोफिशियंट ये चेक कर लें, ये सारे सिग्निफिकेंट हैं, सिर्फ सेटिस्फैक्शन से इंटेंशन का सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी सारे सिग्निफिकेंट इफेक्ट हैं, कंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, अब ये ऊपर से शुरू होता है, ये क्या करता है 500 सैंपल लेगा ना, तो पहले तो ये उन 500 सैंपल का सबका देता है, लाइक सैंपल नंबर 62, 63 और इसने का बाकी 437 ओमिट कर दिया, आपको नहीं दिखाए हैं। ये भी यही करता है, यहाँ पे कहीं आपको पूरा एक एक सैंपल वाइज मिलता है, सैंपल वन सैंपल टू ऐसा। ओके, देखते हैं कहाँ होगा, इफेक्ट चेक करते हैं पाथ डिस्क्रिप्टिव में, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हमें आना है, ये तो लोडिंग के बारे में हो गया, एक एक के बारे में। देखो इस तरह की चीज़ों के लिए ना, इस आउटपुट को अक्सर हम किसी चीज़ में डाल दें, ये वेट के बारे में है शुरू वाले, ये लोडिंग्स के बारे में है, सबकी पी वैल्यू चेक कर रहा है इसीलिए टाइम लग जाता है, ये वेट्स के बारे में है, वेट्स कब देखते हैं और लोडिंग कब देखते हैं, अगर रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट है तो लोडिंग देखते हैं, फॉर्मेटिव में वेट देखते हैं, ये कैलकुलेशन दोनों की दे देता है। एसटीएमटी ये भी नहीं चाहिए मुझे अभी, मुझे तो ये टोटल पाथ कोफिशियंट चाहिए, ठीक है, क्वालिटी जो है उसका पी वैल्यूज कहाँ गिवन है, ओके ये गिवन है लॉयल्टी, मुझे लग रहा है इसको ना शायद मुझे, चलो अभी यही देखते हैं, सेटिस्फेक्शन पी एल एस एस्टिमेट क्वालिटी का किसके ऊपर है ये 495 सिग्निफिकेंट है, और अच्छा सेटिस्फेक्शन के ऊपर ये पूरा है, क्वालिटी का सेटिस्फेक्शन पे 495 और वो सिग्निफिकेंट है, ग्रेट, सेटिस्फेक्शन क्वालिटी का इंटेंशन पे, सेटिस्फेक्शन का इंटेंशन पे, हमें चेक करना है सेटिस्फेक्शन का इंटेंशन पे, सेटिस्फेक्शन का इंटेंशन पे हमारा है 111, ये है 111 करेक्ट, इसकी सिग्निफिकेंस कहाँ गिवन है, सो लॉयल्टी की वैल्यू है, इंटेंशन की है, ओके मुझे सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं दिख रही, जस्ट गिव मी मिनट, हाँ जी ये मैंने देख लिया है, अगर इसको मैं बूटस्ट्रैप करता हूँ इसमें कहीं पे भी पी वैल्यू नहीं आती है, तो उसका एक तरीका ये होता है कि बूटस्ट्रैप को आप डाल लीजिए बी के अंदर, यहाँ पे इसका सारा आउटपुट बूटस्ट्रैप का इसमें चला जाएगा, बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे दो ही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट है आपका मॉडल, यानी ये जो मैंने रन किया ना एस्टिमेट पीएलएस इसका पूरा, और सेकंड है एन बूट नंबर ऑफ बूट्स, ये पूरा चला गया बी के अंदर, और फाइनली मैं निकाल देता हूँ समरी ऑफ बी, इससे मेरी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी समरी ऑफ बी, तो समरी ऑफ बी में बहुत कुछ देगा, 499 स्ट्रक्चर्ड पाथ, ये आ गई हमारी वो वैल्यू कि क्वालिटी का सेटिस्फेक्शन पे 495, यही जो हमने यहाँ चेक किया था ना, क्वालिटी का सेटिस्फेक्शन पे 495 और सिग्निफिकेंट है पी वैल्यू, तो ये पी नहीं देता, ये लोअर और अपर लिमिट देता है, जब भी लोअर लिमिट का नेगेटिव हो अपर का पॉजिटिव हो इसका मतलब ये रिलेशन जीरो है, तो ये सेटिस्फेक्शन से इंटेंशन इनका भी यही था, सेटिस्फेक्शन से इंटेंशन नहीं है ठीक, इनका भी ठीक नहीं है, बाकी फिर इसने वही बूटस्ट्रैपिंग, ये तो है पाथ की, ये बूटस्ट्रैपिंग वेट की, फिर बूटस्ट्रैपिंग लोडिंग की, ये जो इन्होंने एक एक दिया होगा, देखिए यहाँ पे लोडिंग इन सब की पी वैल्यू, वेट इन सब की पी वैल्यू, टोटल इफेक्ट इन सब की पी वैल्यू, इनडायरेक्ट इफेक्ट इनकी पी वैल्यू, एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे एसटीएमटी की बूटस्ट्रैप टोटल पाथ की सबकी इन्होंने पी वैल्यू भी दे दी है। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑन कंसिस्टेंट पीएलएस, क्विकली रिवाइज करें, टोटल हमारे पास चार चीज़ें हैं, पहला अपना मेजरमेंट मॉडल डिफाइन करें, सेकंड स्ट्रक्चर मॉडल डिफाइन करें, थर्ड कंसिस्टेंट पीएलएस में एस्टिमेट पीएलएस रन करें, और फोर्थ समरी निकाल दें, समरी में बहुत लंबा आउटपुट आता है इसलिए मैंने इसको P3 में डाल दिया, और P3 पे डॉलर लगा के एक एक चीज़ देख ली, फिफ्थ अगर आप देखना चाहें तो बूटस्ट्रैपिंग कर सकते हैं, और इसको फिर बी में डाल के उसकी समरी निकाल ली है। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑन कंसिस्टेंट पीएलएस, लेकिन स्मार्ट पीएलएस में एक जो चीज़ है स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट, वो हम चेक यहाँ नहीं कर पाते हैं, हमारे पास जो आता है टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट इसी को हम चेक कर पाएंगे, लेकिन हम इसको चेक नहीं कर पाते हैं कि स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट हम कैसे चेक करें, अदरवाइज ये सारी वैल्यूज भी आपने चेक कर ली हूबहू सेम ही आती हैं। सो दिस इज अ परफेक्ट अल्टरनेटिव टू द कंसिस्टेंट पीएलएस इन आर स्टूडियो, सैम इन आर। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।